हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं इंस्टा पर भी हूँ और मैं सिमसिम ऐप पर भी हूँ, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो, सेव और शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो को। तो आप बात कर लेते हैं आज की पैक की। तो वाकई अगर आप ये फेस पैक अगर आप लगा लेते हो तो आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बेदाग, ग्लोइंग और खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपकी शादी जनवरी में है या फेब में है या मार्च में है, अगर आपको ये पैक सूट कर जाता है, ये पैक अगर आपको सूट कर जाता है तो वाकई आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और लोग आपकी स्किन की तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये बहुत कुछ पे वर्क करने वाला है। अगर आपकी स्किन अनइवन टोन है तो उसको ये ठीक करने वाला है। तो पार्लर में जा करके 2000, देखो बहुत सारे मुझे आप मैसेज आते हैं, आप सब जो है सो कि मैं बहुत को खुद देखी हूँ कि मेकअप बहुत होता है ना कि हमारी स्किन डल है लेकिन मेकअप कर लिए तो हमारी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। नहीं होती, कितनी देर के लिए, दिन भर हम मेकअप लगा करके नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं वो हमारे स्किन को ख़राब करता है। तो क्यों ना हम अपनी स्किन को इतना खूबसूरत बना लें कि हल्का सा अगर मेकअप करते तो हमारी स्किन और भी खूबसूरत दिखे। नहीं तो आप कितना भी मेकअप करोगे आपकी खूबसूरती जो है वो चार चांद नहीं लगने वाली है। तो आप अपने स्किन को इम्प्रूव करें, स्किन टोन को अच्छा करें। तो सबके लिए ही ये पैक सब मैं बनाती हूँ, जो आपको सूट करता हो वो पैक आप कंटिन्यू करें। अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आपको ये पैक आपको सूट कर जाता है तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपकी इच्छा होती है कि मैं ये भी पैक लगा लूँ, वो भी पैक लगा लूँ, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन पहले पैच टेस्ट कर लें फिर जा करके आप पैक लगाएं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये फेस पैक आज मैं अपने फेस पे लगा के नहीं दिखाने वाली हूँ। मेरी आवाज़ आज थोड़ी ठीक है, फीवर भी उतना नहीं है, लेकिन हल्का फीवर है मुझे। मैं अपनी बेटी के फेस पर पैक ये लगा करके आपको दिखाती हूँ और आप देखिए कि उसके स्किन पे क्या फ़र्क आया है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं और इसको लगाते कैसे हैं। बाय बाय। मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये आपको एकदम फ्रेश लेना है, फ्रेश जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है वो ले लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो फ्रेश आप ले लें, नहीं अगर अवेलेबल हो तो रोज़ पाउडर अगर आपके पास है तो आप रोज़ पाउडर आप ले सकते हो, लेकिन मैं फ्रेश एकदम ली हूँ। लेकिन ये मेरा एक दिन पुराना है इसलिए थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है। तो ये मैं पहले वॉश कर ली हूँ अच्छे से, अब फिर जो है इसको रात भर छोड़ दी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। तो फिर थोड़ा ये ड्राई हो गया है, तो फिर मैं क्या की हूँ, इसको ड्राई फॉर्म में ही इसको ग्राइंड कर ली हूँ। ऐसे देखिए ये ग्राइंड हो गया है। लेकिन आपको क्या करना है कि क्योंकि अगर फ्रेश आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ आप लेते हो ना, तो आप इसके साथ रोज़ वाटर के साथ जो है ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर सकते हो, या अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप जो है नॉर्मल जो पानी होता है अपना, उससे उसके साथ भी आप इसको पेस्ट के रूप में बना सकते हो। ये इतना खूबसूरत पैक, मैं इतना बेहतरीन पैक बना रही हूँ कि वाकई आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग आपकी स्किन की तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा यही है। तो अभी मैं जो ये जो मेरा रोज़ पाउडर जो मैं बनाई हूँ ना, वो मैं इसके अंदर जो है वो डालने वाली हूँ। तो ये 1 स्पून के करीब में ये देखिए रोज़ पाउडर बन गया है। इसको मैं अच्छे से, ये बहुत खूबसूरत और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग होने वाली है, बहुत बेदाग और बोलते ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो अगर किसी, ये हो गया फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है दही। तो मैं दही जो है ये ऊपर का, मैं जो दही के ऊपर में वो मलाई आता है ऊपर में ऐसा, वो आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको दही ले लेना है। तो तकरीबन 1 स्पून के करीब मैं दही ले रही हूँ, थोड़ा सा पानी भी ले रही हूँ उसका। उसके बाद जो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है ये, मैं ग्राइंड में हमेशा ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखे रहती हूँ, मेथी और सौंफ। मीन्स मेथी को आपको क्या करना है और सौंफ को क्या करना है, हल्का तवे पे आप हल्का उसको भून लो लो फ्लेम में, और उसके बाद एक ग्राइंडर में आप उसको ग्राइंड कर लो। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। मेथी जो है हमारी रंगत को निखारने में बहुत महारत हासिल है उसे, और सौंफ भी फेयरनेस के लिए महारत हासिल है, सौंफ में भी वो गुण है। तो ये बहुत बेहतरीन,
बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप रोज़ एक पैक बताते हो, मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो आप ऐसा करें कि जो पैक आपको सूट करता हो उसको आप कंटिन्यू करें। अगर आपको मेरे सारे पैक लगाने की इच्छा होती है तो आप हर रोज़ एक नया पैक लगा सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो है ये है मेथी और सौंफ का जो पाउडर बनाई हूँ मैं, वो तो 1 स्पून के करीब में मैं इसको ले रही हूँ। और अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए ये पैक बन के रेडी हो गया है। अब हेयर का सेटिंग करते हुए गोल्डी पैक लगा रही हूँ। अभी इसकी आप स्किन देख लो अपने दिमाग के अंदर, अभी एक पैक लगा रही हूँ इसको। तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे। जो मैं गोल्डी को बोलती हूँ, अपनी बेटी को बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कभी भी कोई भी फेस पैक फैन के नीचे अगर आप लगाते हो, जैसे अभी मैं फ़ैन ऑफ करने वाली हूँ, जब भी कोई भी फेस पैक आप लगाते हो तो फ़ैन को ऑफ करें फिर आप बैठे। उससे क्या होगा कि नेचुरल वे में आपका फेस पैक जो है वो सूखता है, नहीं तो फिर फैन के नीचे सूखने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। बिहाइंड द कैमरा गोल्डी रानी का ऐसे हो रहा है, देखिए। ये सूख चुका है, 20 मिनट्स हो गए हैं, ये सूख चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे गीला है, लेकिन आपके सामने ही मैं क्लीन करके दिखलाती हूँ गोल्डी के फेस को। कृपया करके ये पैक घर में झाड़ू पोछा होने के पहले लगाएं, क्योंकि रियल जो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो आपके घर में इधर उधर बिखर जाएंगी। नहीं तो गोल्डी अच्छे से फेस वॉश करके आने वाली है। अभी आप देखिए इसके फेस पे कितना इफेक्ट आया है, अच्छे से आ रही है फेस वॉश करके। ये देखिए गोल्डी के फेस पे कितना अच्छा इफेक्ट आया है। अभी जस्ट अभी फेस वॉश करके आई है, देखिए। मतलब विंटर सीजन के लिए ये फेस पैक बहुत ही यूजफुल है। मीन्स जिनको कर्ड सूट नहीं करता है वो रॉ मिल्क ले सकते हैं, यानी कि कच्चा दूध ले सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी कर्ड के साथ अगर लगाते हो तो भी आपकी कोई भी स्किन टाइप, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, रोज वाटर लगाना है। हाँ, उसके बाद आपको फेस को पहले ड्राई कर ले, उसका रोज वाटर स्प्रे कर ले, उसका जो भी आप क्रीम लगाते हो वो लगा ले। विंटर सीजन है, ये सोच के सनस्क्रीन को स्किप ना करें, सनस्क्रीन फिर भी आप लगाएं तो ये बहुत बेहतरीन है। और ये देखिए फेस पे ग्लो, फेस तो अगर ड्राई नहीं लगता, ये एकदम फेस आपके स्किन को एकदम ड्राई नहीं करेगा। तो अगर आपकी शादी होने वाली है ये फेस पैक आज से शुरू कर दें। इसके अंदर चाहे तो आप थोड़ा सा केसर आप डाल सकते हो या फिर थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हो और उसके साथ ऐड करके लगाएं, रंगत आपकी दोगुनी हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।